हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि सीएसएस में सेलेक्टर का यूज कैसे करते हैं, और कौन से सेलेक्टर का क्या यूज है, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग को क्लास से पता चल रहा है कि अब क्या कर सकता बताइए। जो क्लास और आईडी दोनों एक ही जैसा है, बस वही है, वहां पे आईडी लगाते और यहाँ पे क्लास लगाते। देखिए, हम सबको हटाते हैं और एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं, डाटा लाते हैं। देखो, मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूं और एक हेडिंग देता हूं, ये H1, और H1 के अंदर हमने लिखा आवर कोर्सेस। और उसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ पैराग्राफ बना दिए। क्या बना दिया? पैराग्राफ P, और मैंने कुछ कोर्सेस के नाम लिख दिए और इसको कॉपी किया, लाके इसको पेस्ट कर दिए। पेस्ट किया, इसको सेव करेंगे और यहां से रन कराएंगे। ऐसे आ रहा है, बोलिए। बस यहां पे नाम चेंज कर देंगे, DFA, ADFA, ADCA, और यहां कर दिया हमने CCC। फिर से मैं आ गया यहां पे और इंटर दबा के फिर से H1 लगाया हमने। और H1 लगाने के बाद से हमने बस लिख दिया, और H1 हेडिंग के अंदर हमने फिर से पैराग्राफ लगा दिया। सेव किया और यहाँ पर, तो ऐसे इतना सुधार आपको। अब देखिए क्या होता है, अगर हम सेलेक्टर का अभी तक जो पढ़े थे वो सेलेक्टर का यूज करेंगे तो क्या होगा। अगर जैसे मैं आ जाऊंगा हेडर के अंदर और एक स्टाइल टैग यूज करूंगा, स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या किया, जैसे में लिखा H1, क्या लिखा, H1 और कर्ली ब्रेसेस दे दिए और इंटर दबा दिया, और हमने कर दिया कलर, क्या किया कलर, और कर दिया यहां से रेड, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद से जब हम यहां पे आएंगे, क्या हो गया जी कुछ, चलो तो आवर कोर्सेस और आवर कोर्सेस दोनों जगह हो गया। लेकिन देखो,
हेडिंग H1 हमारा AB है, हेडिंग फर्स्ट AB है और हेडिंग फर्स्ट AB है, लेकिन मुझे जो फॉर्मेटिंग करना है दोनों का अलग अलग करना, क्या करना हो अलग अलग करना है, बोला H1 का हमारा अलग हो और या वाला H1 का अलग हो। अब ऐसा भी तुम लोग नहीं कर सकते हो कि एक बार H1 लगा के कलर कर दिया रेड और फिर से H1 लगा के कर देंगे ब्लू, काम करेगा नहीं करेगा। बोला एक ही हेडिंग अगर बार बार हो लेकिन फॉर्मेटिंग हमको अलग अलग करना हो तो उसको जाहिर सी बात है आपको कुछ स्पेसिफिक आईडी देना पड़ेगा या क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दो तरीका है, ये तो आईडी सेलेक्टर का इस्तेमाल करिए, एक आईडी जनरेट कर दीजिए, या क्लास सेलेक्टर का यूज करिए, एक क्लास दे दीजिए। तो चलिए हम आते हैं और यहाँ पे क्लास देते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और इसी के अंदर H1 के अंदर हम यहाँ पे स्पेस दबा के और लिखेंगे क्लास, क्या लिखेंगे क्लास। अब क्लास सेलेक्टर के लिए यहां से क्लिक करेंगे, अब क्लास सेलेक्टर के लिखने के बाद से हमें कुछ नाम देंगे, तो हमने दे दिया यहाँ पे A1, क्या नाम दे दिया हमने A1, अब H1 तो देंगे नहीं ना, फिर से यहाँ पे आएंगे क्लास और हमने दे दिया यहाँ पे A2। अब कई लोगों के मन में भी चल रहा होगा, सर हम H2 नहीं देते, नहीं हमको हेडिंग 1 कई जगह लगाना है, ठीक है, उसके बाद हेडिंग 2 कई जगह लगाना है, हेडिंग 3 कई जगह लगाना है, क्योंकि ये हेडिंग 6 से ज्यादा दे ही नहीं सकते इसमें, इसी में तो डबल डबल करके हम लोग लगाएंगे तो मैक्सिमम हेडिंग बना सकते हैं। बस यही है, हम अपने हिसाब से फॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे, टेक्स्ट का फॉन्ट अलग कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, मतलब एडिटिंग अलग अलग कर लेंगे, जिससे लगेगा कि हमने लगाया है लेकिन अलग अलग लगाया है। अब देखो हमने क्लास दे दिया A1 और क्लास दे दिया A2, अब सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से हमने क्या किया, ऊपर क्योंकि सब पे एक ही H1 H1 आइडेंटिफाई करके बता दे रहा है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग करना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा इसको हटा दूंगा H1, और क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको डॉट लगाना होगा, जैसे कल यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करके क्या लगाते थे, स्टार लगाते थे, वैसे क्लास सेलेक्टर को बुलाने के लिए हमको डॉट लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट, क्या लगाएंगे डॉट, और डॉट लगाने के बाद से क्या लिखेंगे A1, डॉट A1, तो समझ जाएगा क्लास A1, और यहां पे लेने के बाद से हम इसको सेव कर देते हैं, समा रहा है। चलिए फिर से हम यहां पे आएंगे और आने के बाद से इंटर दबाएंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद फिर से हमने डॉट लिखा और टाइप किया A2, और A2 टाइप करने वास्ते देखो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा तब आप अच्छे से काम कर पाओगे, बस इसमें हेडिंग देख लो, ठीक है, फॉर्मेट देख लो, लेकिन अपने हिसाब से काम करो तभी अच्छे से कर पाओगे। अब A2 कर दिया और यहाँ पे कर दिया कलर, हमें इक्वल लगाना है, फॉन्ट साइज थोड़ा एक्स एक्स लार्ज करना है, बैकग्राउंड कलर एक पे कौन सा कलर आएगा, चलो रहने दो इसको, अभी सेव करो, आ रहा है, इसका भी अलग इसका भी अलग। अब चलो अब क्लास का थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूज सीखते हैं। अब देखो मैंने पैराग्राफ भी दिया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूं और इंटर दबा के और लिख देता हूँ P और कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, और हमने कर दिया कलर, क्या कर दिया कलर, अब कलर करके हमने कर दिया इसको रेड, और रेड करने बाद से हम कर दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो,
अब देखो क्या होगा, जाहिर सी बात है पैराग्राफ हमने एक लगाया है तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। बोलिए, लेकिन अब मुझे क्या करना है, भले अब ऐसा तो है नहीं कि P1 बना देंगे इसको पैराग्राफ के लिए, H1 H2 है उसमें, अब P1 P2 नहीं है ना, है क्या इसमें, पैराग्राफ के लिए P लगाते हैं, लेकिन पैराग्राफ तो हम बहुत सारा देते हैं, और मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट वाले पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग अलग रखू, सेकेंड वाले का अलग रखू, थर्ड वाले का अलग रखू, तो इसके लिए ये समझो एक पैराग्राफ हमने दिया है, मैटर हमने दिया है, ठीक है, या हम लोग ये जो हमने कोर्सेस के बारे में लिखा है ये हम हटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइप कर दो लोरेम, सेव कर दो। हारन बाबू, तो ऐसे आप लोग मैटर लिख सकते हो। अब चलिए मैं सोच रहा हूँ नहीं ऐसे नहीं करना, सबका फॉर्मेटिंग हमको अलग अलग करना, तो क्या करोगे फिर से, अब पी के अंदर फिर से यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्लास, अब इसका नाम क्या दे, ठीक है, तो अपने भाषा में जो दो दो वही आएगा, ठीक है, तो A1 A2 तो दे दिया हूँ, ये तो दे नहीं सकता है, ठीक है, तो हमने पैराग्राफ है P1 कर देते हैं, क्लास P2 कर देते हैं, क्लास P3 कर देते हैं, बस इतना ही दे दे, सेव करते हैं। डॉट अब इसको यहां पे आके क्या लगाएंगे, डॉट P1, सेव। समाया, चलिए उसके बाद से फिर से यहाँ पे इंटर दबाते हैं, डॉट P2, फॉन्ट साइज केवल बढ़ाना है, काम कर रहा है बाबू।